क्या होता है कि सबसे पहले ये सडन ऑनसेट ऑफ फीवर होता है, अचानक बुखार हो जाता है और उसमें सीवियर हेडेक होती है और उसके साथ रिट्रोवर्बल पेन होती है आंखों के पीछे। अपडेट किया डेंगू डे और हमें यहाँ पे अवेयर किया गया कि हम कैसे मतलब इस बीमारी से बचें और हमें यहाँ पे बताया गया कि वो मेडिकल हॉस्पिटल में फैसिलिटीज अवेलेबल है, NS1 किट्स अवेलेबल है, तो आप वहाँ से ले सकते हो, जो जो आप जिस जिसको जरूरत है वो वहाँ से जाके अवेलेबल है। और हमें यहाँ पे अवेयर किया गया कि कैसे कैसे आप डेंगू से मलेरिया से मच्छरों से कैसे कैसे बचें, क्या क्या चीजें यूज करें। जॉइंट पेन और मैकुलर पेपुलर रैश होती है, इसके साथ जब ब्लड डिस्ट्रॉय होता है तो लिवर में क्या होता है, वहां के सेल फ्रॉम नोज माउथ फ्रॉम एनस इन जुरीन, तो कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि इसमें मेन जो है जो थ्रम्बस है, वो थ्रम्बस जो क्लॉटिंग फैक्टर है उस वो इफेक्ट होता है, इसलिए ब्लीडिंग इतनी ज्यादा होती है कि उसको हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से पेशेंट है, अगर 100 पेशेंट हमारा डेंगू फीवर का है तो घबराने की कोई बात नहीं है, एक ही पेशेंट 20 में से एक ही पेशेंट क्रिटिकल स्टेज में जा सकता है, लेकिन कौन से पेशेंट को एडमिशन की जरूरत होती है और कौन से पेशेंट प्लेटलेट 40,000 से बिलो जाने शुरू हो जाते हैं, उस पेशेंट को हमें एडमिट करना चाहिए, हॉस्पिटल में एडमिशन देनी चाहिए, उसकी पूरी डिटेल हिस्ट्री लेके उसको फ्लूइड वगैरह लगाना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन जो है इसमें को ऑल ओवर वर्ल्ड जो है ये वर्ल्ड डेंगू डे सेलिब्रेट किया जाता है और हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी में भी ये डेंगू डे जो है आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ और जहाँ के आवाम को कि ये डेंगू जो डिज़ीज़ है ये है क्या चीज़ है। डेंगू की जो बीमारी है ये एक वायरल इन्फेक्शन है, ये एक वायरस जो ईडीज नाम के मॉस्किटो से इसकी ट्रांसमिशन जो है वो होती है और वायरल डिजीज़ है। इसमें जो लक्षण जो होते हैं जो बंदे को मरीज को वो क्या होता है कि एक तो उसको बुखार होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, 104 तक उसका फीवर हो जाता है, रैश हो जाता है बॉडी और जॉइंट पेन्स होती हैं, नाजिया वोमिटिंग उल्टी का मन, उसमें थोड़ा सा खून भी आने का चांसेस होते हैं और बॉडी जो है उसकी शरीर कमज़ोर हो जाता है और इसके अलावा जो उसमें पेन एब्डोमेन, उसके पेट में दर्द वगैरह हो सकती है, तो आँखों में दर्द हो सकती है खासकर आँखों के पिछले हिस्से पर। और इस तरह के लक्षण अगर किसी को मरीज को दिखते हैं तो वो डेंगू हो सकता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि उसकी लैब इन्वेस्टिगेशन करवानी है और यूजली क्या होता है इस बीमारी में जो प्लेटलेट काउंट होता है वो मरीज का जो है वो कम हो जाता है। तो जब किसी का प्लेटलेट काउंट जो है वह 40,000 से नीचे आता है तो उस पेशेंट को फिर हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत होती है। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है मच्छर के काटने के बाद तकरीबन कोई 4 डेज के से लेके 1 वीक तक जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जिसमें कि बीमारी के लक्षण जो है काटने के बाद जो है वो उसको महसूस होने शुरू हो जाते हैं। और इसमें यह है कि जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो इसमें जो यही है कि उसको पैरासीटामोल की टेबलेट जो है बुखार के लिए लेनी है और थोड़ी कोल्ड स्पॉन्जिंग जिसमें रुमाल गीला करके उसके माथे पे या पेट पे बुखार को बढ़ने नहीं देना है। तो बाकी यह है कि बीमारी का जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है वो जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि एक स्टिच इन टाइम सेव्स 9, अगर हम बीमारी के बारे में हमें अवेयरनेस होगी तो हम इसके रोकथाम बीमारी होने से पहले ही इसको रोक सकते हैं, इसका साइकिल जो है कट कर सकते। ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके बीच में भी ये मैसेज जो है वो हमने डिसेमिनेट करने की कोशिश की है, जिसमें हमने बीमारी की एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट की कैसे मतलब कि अपने लोगों को ये इस बात में अवेयर करना है कि मच्छर से बचाव करना है, अपने घर के आसपास कोई खड्डे वगैरह हो उसमें पानी जमा नहीं होने देना है, छत के ऊपर कोई लोगों ने पक्षियों के लिए कोई वो
कटोरे वगैरह जिसमें पानी रखते हैं तो उसमें उसका पानी बदलते रहना है, कूलर वगैरह जो है उसका पानी बीच बीच में बदलते रहना है, और कहीं आगे पीछे टायरों में यूजली जो होता है वो पानी जमा रहता है तो वो नहीं जमा नहीं होने देना है। और ये बीमारी जो है इसका जो पीक सीजन जो होता है वो रेनी सीजन होता है, तो रेनी सीजन जैसे ये जो जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर